Hey guys, welcome back to the channel. This is Samir and you are watching MSQ Vlog. So guys, एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है. हम लोग हैं अब्दुल्ला गोट फार्म पर. ठीक है, हमारे साथ है सैफ भाई और इस वीडियो में हम आपको इनका पर्सनल कलेक्शन जो इन्होंने रखा है अपने लिए वो हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह. अस्सलाम वालेकुम सैफ भाई. सैफ भाई, ये वीडियो हम लोग बनाने का क्या रीज़न है? भाई ये रीजन इनका एक अलग से बनाने का यही है कि यादगार है. ओके, एक मेमोरी कैप्चर कर रहे हैं हम लोग. थोड़ा सा बकरों को, थोड़ा सा दोनों डेंजर बकरे, उनको थोड़ा एक दूसरे से दूर रखना. माशाल्लाह. सैफ भाई, सबसे पहले जो आपके हाथ में है बनूर, इसके बारे में कुछ बताए. बहुत अच्छा, अपने घर का है ये? होम ब्रीड है. ठीक है. अभी ये भाई दो दांत के ऊपर है. हाँ हाँ. और 45 की. हाँ हाँ, ठीक है. हाँ सैफ भाई, दो दांत से 45 की. माशाल्लाह. और ये अपने घर का होम ब्रीड है. तो ये इस साल अपनी कुर्बानी के लिए अपन ने रखा है इसको घर की. माशाल्लाह. अभी दो दांत पर है ये और इसको इस साल ये कुर्बानी करेंगे. आप बकरा ये वो मेंढा देखे और इसकी क्वालिटी देखे, इसके बारे में मुझे कुछ बताया ना. मतलब इसकी इसकी पहचान कैसे की जाए? इसकी हाइट को लेकर करना चाहिए या इसकी सींग देखना चाहिए, कैसे क्या करके? हाइट ये ज्यादा शॉर्ट होना चाहिए या इसकी हाइट ज्यादा शॉर्ट होना चाहिए? शॉर्ट भी इसकी लेग देखिए, जितना शॉर्ट भाई उतना फीवर. अच्छा, और उतना लेंथी होना चाहिए, लेंथ इसकी अच्छी बड़ी होनी चाहिए. ओके, ये आपने कहाँ से, आपने इधर मुंबई से ही खरीदा है या फिर? नहीं भाई, आपने यही पे खरीदा हुआ है. ओके, नहीं मतलब जो इसकी ब्रीड अपने पास चली है. हाँ. वो तो आपने कहीं से खरीदा होंगे? इसकी माँ जो है मेरे पास करीब 7 साल से. क्या बात कर रहे हो, 7 साल? तो ये तो आपके पास इसका पूरा खानदान होगा. पूरा खानदान, कई भाई कुर्बानी हो चुके हैं. अच्छा, चलो बहुत अच्छे. तो ये नॉट फॉर सेल है. ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, आपके सुल्तान के बारे में. बहुत देर से मैं इसके चर्चे सुन रहा हूँ, इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे हम लोग. आ जाओ. ये है इनके फार्म की शान, इसका नाम इन्होंने रखा है सुल्तान. ठीक है. सैफ भाई, इसके बारे में आप क्या बोलोगे? भाई इसके बारे में ये बोल देता हूँ, इसको मैंने कभी वेट नहीं किया हूँ. हाँ हाँ, समझे, बस एक शौकिया रखे इसको. ओके, ये भी आपके साहबजादे की पसंद है? बिल्कुल, ये भी हमारे साहबजादे की पसंद है. हाँ हाँ. और लेट नाइट लेने लगाया था मुझको उसने. इसको कितने बजे खरीदे आपने? आपको बोलूंगा तो आप बोलोगे ये कौन सा पागल पड़ने चाहो, रात में 2:30 बजे. अच्छा, तो 2:30 बजे आपके कस्टमर जिनसे आपने खरीदे हो. हाँ. वो कॉल उन्होंने रिसीव किया आपका? वो भाई अपने खास दोस्त थे. अच्छा, फोन किया फौरन बुलाए उन्होंने. ओके, अब उसी वक्त जाके ले लिया. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी चीज है. तो कितने दांत पर है ये भाई? ये 4 दांत पे. 4 दांत पर है और जिंक में है ना ये? जिंक में भाई, जिंक की ग्रोथ जो है. हाँ हाँ, ये माशाल्लाह. अब देखोगे इसको थोड़ा सा इधर लो ना भाई. जी जी, अब देखोगे तो ऐसा लगता है कि रोज कुछ बढ़ रही है. अच्छा. हाँ, डे बाय डे इसकी ग्रोथ होती जा रही है. ये देखो नीचे से, ये माशाल्लाह. सो ये भी नॉट फॉर सेल है? ये भी नॉट फॉर सेल है. ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे बैंटम के बारे में. इसके बारे में बताएं, ये आपने कब खरीदा, इसकी क्या स्टोरी है? भाई ये भी हमारे मोहल्ले से हमारे दोस्त के पास था, उनसे मैं खरीदा था, बीमार था काफी है. ओके, मतलब ये तो आपने बताया है सल्ला मारते मारते वापस आया है. हाँ, मतलब वही हाल था कि बस सल्ला पर जाके वापस आ गया ये, है ना. हाँ, अब देखो इसको, ग्रोथ हो गई. उसके बाद उसकी, उसका पूरा ट्रीटमेंट होने के बाद में उसकी हेयर ग्रोथ होने लगी. अच्छा, जो बदन माशाल्लाह है वो सिर्फ चाचू की वजह से कि उसके पीछे फिर दिन रात मेहनत भी की है. माशाल्लाह, करने के लिए. अभी इसका क्या वेट है भाई? अभी 45 kg पे है. 45 kg. आप इनका भी वेट करते हो क्या, बेंटम वगैरह का भी? सही है. तो ये जो बकरा है ये इसको आपने 7 किलो पे खरीदा था, जैसे आपने ऑफ कैमरा मुझे बताया. जब इसको खरीदा गया था तब ये सिर्फ 7 किलो का था. अब ये कितना वेट है इसका? मैं खरीदा था उस वक्त बहुत
पूरा बीमार बहुत था वो, उसके बाद और ज्यादा बीमार हो गया यहाँ आने के बाद, एक्सट्रीम बीमार पड़ गया, और एक्सट्रीम बीमार हो गया, वेट लॉस हो गया पूरा, और बस एक कोने में पड़ा था, बदन से गिर रहा था। अच्छा, अब हयाती थी वो बच गई। माशाल्लाह, मेहनत आपने की और फल उसका सामने आप देख सकते हो। बस वो इस कदर गिर गया था कि उम्मीद नहीं थी कि बच पाएगा, बच पाएगा, बस उसी वक्त नियत थी ये बच गया तो ये अल्लाह इसको बचा सकता, अल्लाह की जनाब में कुर्बान। अच्छा, माशाल्लाह। अभी कितने दांत पर है ये भाई? अभी चार दांत होगा मेरे ख्याल। बस दो दांत आए, दो दांत पर, दो दांत, ठीक है। ये भी नॉट फॉर सेल है, ये भी नॉट फॉर, ये सिर्फ शौक हम लोग बता रहे हैं आपको, ठीक है। अब ये इसके बारे में बात करेंगे, इसका नाम क्या है? टाइगर जी। इसका नाम टाइगर क्यों रखा आपने? वही साहबजादे ने दिए। अच्छा, ऐसा? ओह सही है। तो ये कौन सी नाम, जो भी बकरों के नाम है वो सब हमारे बेटे के दिए, अब्दुल्ला के दिए हुए, मैंने किसी का नाम नहीं दिया। अच्छा, इसको जरा पकड़ो ना, कौन सी ब्रीड है ये? पतीरा में है क्या है ये? पतीरा में, प्योरिटी में पतीरा है। थोड़ा सा सही से पकड़ो, बहुत अच्छे कान नहीं भाई। ओह, एक मिनट भाई, एक ऐसे रुकना, थोड़ा सही से पकड़ना इसको, बस 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 बस, थोड़ा सा झालर छोड़ के फेस मेरी तरफ, कान नहीं, कान से चिढ़ रहा है वो। एक मिनट, थोड़ा सा, बहुत अच्छे। सो ये अभी कितने महीने का है सब भाई? भाई अभी चार महीने, चार महीने का। तो ये भी अपने घर की कुर्बानी में जाने वाला है? ये फिलहाल तो मतलब इसको रखना है, कुर्बानी का मूड नहीं है फिलहाल, ये तो चार महीने का है अभी। ओके ओके, तो अभी वैसे कुर्बानी के लायक होएगा भी नहीं है इस तक। तो ये चार बकरे हमने आपको दिखाए जो इनके घर के शौक के बकरे हैं, ठीक है। ये सारे के सारे नॉट फॉर सेल है। सो ये वीडियोस की सीरीज इसको यहीं खत्म एंड करेंगे, और एक बार सैफ भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हम लोग के, सैफ भाई हमको यहाँ पे इन्होंने दावत दिए और अपना शौक लोगों के बीच में इन्होंने लाया, और हमारे बोलने पर जो इंसान ने कभी अपनी खुद की एक सेल्फी नहीं लिया वो इंसान आज पूरे वीडियो की सीरीज में था, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया सैफ भाई। शुक्रिया, बहुत दिल से शुक्रिया कि आपने हमारा इतना मान रखा है ना, ठीक है। तो ये वीडियो को क्लोज करेंगे, है ना गाइज, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।